हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा, एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का ये वीडियो अगर आप मोस्टली सूट पहनते हैं तो आपके लिए है। आज मैं आठ ऐसी थिंग्स लेके आई हूँ, आठ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आप सूट पहनते हैं तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये मस्ट हैव है, ये आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप सूट पहनते हैं तो। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, उसको इग्नोर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले जुत्तीज़ की। अगर आप सूट लवर हैं, अगर आप सूट पहनते हैं तो आपके पास 100% जुत्तीज़ होनी ही चाहिए। हर सूट के लिए अलग अलग कलर की जुत्तीज़ लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक न्यूट कलर की जुत्ती रखिए, गोल्डन कलर की जुत्ती रखिए या मल्टी कलर की जुत्ती रखिए। आप इनमें से कोई एक जुत्ती रखिए जो आपके ज़्यादातर सूटों को कवर करे, ऐसी जुत्ती रखिए। उसमें कोई भी पैटर्न पहनती हूँ, सरारा पहनती हूँ, गरारा पहनती हूँ, प्लाजो पहनती हूँ, पैंट पहनती हूँ, पटियाला पहनती हूँ, जुत्ती सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और इस समय आप सूट के साथ अगर कुछ देखेंगी सबसे ज़्यादा पहने हुए तो वो है जुत्ती। तो आपके पास एक जुत्ती ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद नंबर दो पे आती है झुमके, छोटे छोटे। जो अगर आपको ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो आप ऐसे थोड़े हैवी से गोल्डन वाले या बहुत सारे स्टोन वर्क वाले झुमके रख सकते हैं। उससे आपका सूट में भी ट्रेडिशनल लुक आएगा। और अगर आपको ट्रेडिशनल लुक नहीं चाहिए, मॉडर्न लुक चाहिए, सिंपल लुक चाहिए, तब आप ऑक्सीडाइज की छोटी छोटी झुमकीज़ या थोड़ा सा जिसका झुमका वाला पार्ट बड़ा होता है, ऐसी झुमकी रख सकती हैं अपने साथ, अपने सूट के साथ कैरी कर सकती हैं। उससे भी आपका सूट लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आता है, और भी ज़्यादा प्रिटी लगता है। और इस समय आप देखते भी होंगे सबसे ज़्यादा सूट के साथ आपको छोटी छोटी झुमकीज पहने हुए लोग दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर थ्री में आपके पास एक फुलकारी दुपट्टा होना चाहिए। अगर आप सूट पहनते हैं तो आपके पास फुलकारी दुपट्टा भी होना ज़रूरी है। किसी भी टाइप का प्लेन सूट हो, वो पैंट सेट हो, प्लाजो सेट हो या एक प्लेन अनारकली हो, तो उसके साथ आप फुलकारी दुपट्टा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उठ के दिखता है। आपका कोई भी प्लेन सॉलिड कलर हो और उसके साथ आप एक फुलकारी दुपट्टा ले लेंगे तो एक परफेक्ट लुक बन जाएगा। आप पटियाला प्लेन बनवाइए और उसके साथ फुलकारी दुपट्टा लीजिए, पूरा पंजाबी सूट दिखेगा वो। तो आपके पास एक फुलकारी दुपट्टा भी होना चाहिए अगर आप सूट लवर हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अगर आप सूट लवर हैं, सूट पहनते हैं तो आपके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी होनी चाहिए। सूट के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। अगर डे में आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो इस समय तो लास्ट दो तीन साल से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एक्चुअल में सूट के साथ ही सबसे बेस्ट लगती है। आप अगर साड़ी के साथ या और भी वेस्टर्न इंडियन जो भी पहनते हैं, पर उनकी तुलना में आपको सूट के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जाती है। तो अगर आप सूट पहनते हैं तो आपके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी हैंड एक्सेसरीज़ की। तो अगर आप सूट पहनते हैं तो आपके पास वॉच होनी चाहिए। अगर आप सिंपल में जाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वॉच रखिए या ऐसे ही वॉच रखिए, सूट के साथ वॉच बहुत अच्छी लगती है। और आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल में जाना चाहते हैं, आप बैंगल के साथ जा सकती हैं, जिसमें आप सिल्वर कलर के या गोल्डन कलर के प्लेन जो आते हैं बैंगल, वैसे लीजिए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल में मत जाइए, सूट के साथ बहुत ज़्यादा हैवी बैंगल्स या हैवी चूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती। एक हैंड में सिंपल सी आप थोड़ा सा जो सिल्वर कलर वाली चूड़ियाँ आती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप उनको उनके साथ जा सकती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट थिंग्स है वो है सिलिंग्स बैग्स। तो बैग तो बहुत टाइप के होते हैं, और मैं पास्ट की बात करूँ तो पहले जो है हैंड बैग चलते थे सूट के साथ, बट एट दैट टाइम सूट के साथ स्लिंग बैग्स चलते हैं और सबसे अच्छे लगते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो लास्ट दो तीन साल से आप सूट के साथ किसी भी तरह के सूट आप देख रही होंगी तो उनके साथ स्लिंग बैग ही चलते हैं। मैं खुद भी स्लिंग बैग ही लेना पसंद करती हूँ। अगर ऐसे ही बाहर घूमने फिरने जा रही हैं तो अपने साथ, अपने सूट के साथ एक स्लिंग बैग लीजिए। स्लिंग बैग में भी आप लाइट कलर, न्यूट्रल कलर लीजिए, जैसे ब्लैक हो गया, ग्रे के शेड हो गए, लाइट शेड हो गए, ब्राउन के लाइट शेड हो गए, कोई भी न्यूट कलर लीजिए जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस को कवर अप करे, ज़्यादा ड्रेस के साथ जाए। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत लीजिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर सारे ड्रेसेस के साथ नहीं अच्छे लगते, सबके साथ उतने अच्छे से नहीं जाते, वो अलग से चमकते हैं। इसलिए ऐसे कलर लीजिए जो आपके ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच हो, आपके ड्रेस के साथ अच्छे से जाए, प्रिटी लगे। मैं बात करूँगी ब्रेसलेट की। हमने चूड़ी और
हैंड एक्सेसरीज में हमने चूड़ी और वॉच की बात कर ली, अब मैं बात करूँगी ब्रेसलेट की। जो गोटा पट्टी वाले आते हैं ना, अभी आजकल ब्रेसलेट चल रहे हैं, गोटा पट्टी या पोम पोम छोटे छोटे लगे रहते हैं, ऐसे ब्रेसलेट बहुत अच्छे लगते हैं। या छोटे छोटे बीट्स घुंघरू लगे रहते हैं, वो भी सूट के साथ, ऐसे ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ऐसा ब्रेसलेट एक रख सकते हैं, वो आपके सूट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा और उसके साथ बहुत ही सुंदर भी लगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँगी मैं न्यूट कलर की लिपस्टिक की। तो सूट के साथ न्यूट कलर लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कम एज की हैं, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, टीनेज हैं और आप सूट पहनना पसंद करती हैं, तो आप न्यूट कलर लिपस्टिक ट्राई करिए। सूट के साथ आप जो प्रिंटेड सूट होते हैं या सॉलिड सूट होते हैं, सबके साथ आपको न्यूट कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा आपको हैवी लुक नहीं देगी। अगर आप हैवी लुक में जाना चाहती हैं तो आप डार्क गोल्ड की साइड जाइए, लेकिन आप ऐसे डेली वेयर के लिए या बाहर के लिए कुछ ट्राई करना चाहती हैं हल्का फुल्का, तो आप न्यूट कलर की लिपस्टिक अपने पास ज़रूर रखिए। सूट के साथ वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है वेडिंग ड्रेस लुकबुक का, अगर आपने उसे नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाके उसे भी देखें, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। आज का मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आप सूट लवर हैं, अगर आप मोस्टली सूट पहनते हैं, तो इन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखिए। ये 8 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, ये सारी की सारी मस्ट हैव थिंग्स हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।